नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ बिदौलिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन ने ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदला है। बहुत सारे लोग घरों पर हैं, बहुत सारे लोग सड़क पर हैं। जो लोग घर पर हैं वे छत नाप रहे हैं अपनी, और कुछ लोग सड़क नाप रहे हैं। मजबूरी दोनों की है। हो सकता है आज जो घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद आप उनसे पूछें कि इन दिनों क्या कर रहे हैं, तो वो कहें कि मैं इन दिनों सड़क नाप रहा हूँ, मैं इस समय सड़क पर हूँ। तो दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना, इन दोनों ने ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदला है। कहाँ कहाँ कैसी स्थिति हो सकती है, क्या हो रही है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक रोटी के लिए दो लोग लड़ रहे थे, एक रोटी के लिए दो गरीब लोग लड़ रहे थे। एक बोला यह मेरी है, एक बोला यह मेरी है, दूसरा बोला नहीं ये तो मेरी है। इतने में एक नेताजी पहुंचे, रोटी छीनी, कुछ देर रुके और बोले, अच्छा एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ ये किसकी है। और नेताजी रोटी खा गए। दोनों लोग देखते रह गए। फिर हंसते हुए नेताजी बोले, अरे ये तो गेहूँ की है। तो देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। आगे चल के स्थिति भी हो सकती है कि लोग रोटियों के लिए लड़ें। मजदूर, बहुत सारे मजदूर इस समय सड़कों पर हैं, वे परेशान हैं, पैदल अपने घर को जा रहे हैं। मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है। ऐसे में एक आपको कविता सुनाता हूँ जिसमें मीडिया मजदूरों के बारे में सरकार से पूछती है। मजदूर परेशान हैं, ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकती है। एक मीडियाकर्मी ने पूछा नेताजी से, मजदूर परेशान हैं, ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकती है। नेताजी का जवाब, लो कर लो बात, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे बैठ सकते हैं। और नेताजी ने एग्जाम्पल बता दिया और हाथ पर हाथ रखकर बैठकर दिखा दिया। ऐसे हाथ रख लिया और बैठकर दिखा दिया। कुछ आपको और सुनाते हैं। एक मीडियाकर्मी ने नेताजी से फिर पूछा, आप कैसे नेता हैं, मजदूर तकलीफ में हैं और आप आराम से बैठे हैं। नेताजी कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। फिर बोले, किसने कहा हम आराम से बैठे हैं, कुछ देर पहले वहां बैठे थे, अब यहां बैठे हैं। मजदूरों की तकलीफ पर सरकार का बयान देखिए, आप किस तरह से बयान आया। मजदूरों की तकलीफ पर सरकार का बयान, हम उनकी परेशानी से अच्छे से समझते हैं, हम उनकी परेशानी अच्छे से समझते हैं। वे भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, दोनों के अच्छे दिन आएंगे। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, कुछ दिन बाद मिल बैठ कर खाएंगे। तो किस तरह से, देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती हैं और किस तरह से सोच होती है। अब एक कभी कभार क्या होता है कि मीडिया किस तरह से सवाल पूछती है, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा हो जाता है। कई बार पैदल घर जाते एक मजदूर से मीडियाकर्मी ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है। मजदूर ने चप्पल उतारी तो कैमरामैन सक पकाया, पीछे हटा और घबराया, यह क्या है। जवाब मिला, चप्पल है, टूट गई है। वही बता रहा हूँ, आपने पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है, साहब पैर में फफोले पड़ गए हैं, आपको वही दिखा रहा हूँ। देखिए तो किस तरह से जवाब मिलते हैं मीडिया को। एक आपको और सुनाते हैं, नेताजी किस तरह से, मतलब जो कोरोना के कारण जो दिक्कतें हुई हैं और सरकार की भूमिका को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या हो सकता है। मजदूर तकलीफ में हैं आपको शर्म नहीं आती, जो आंखें मूंद कर बैठे हैं। सरकार का जवाब देखिए, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, तभी तो आंख मूंद कर बैठी है। तो आपको इस तरह से लॉकडाउन और कोरोना में जो चीजें चलेगी, अब आप सब सामने देखते जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।